चलिए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वन केजी का ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है प्लेन का इंक्लिनेसन हमें थर्टी डिग्री दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो मैं चाहता हूँ कि आप तीन मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम तो सबसे पहले हम गिवन सिचुएशन का फिगर बनाएंगे और क्योंकि हम ब्लॉक के मोशन में इंटरेस्टेड हैं तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मुझे पता डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है एम और जी की वैल्यू डालने पे मुझे डब्लू मिलेगा और फिर मैं वेट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स करूँगा यहाँ पे मैं अलॉन्ग द इंक्लाइन की डायरेक्शन को एक्स बोलता हूँ और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई बोलता हूँ और मुझे पता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए तो फोर्सेस बैलेंस करने पे मुझे नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी और अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ अलॉन्ग द इंक्लाइन लगाऊँ तो मुझे पता है अलॉन्ग द इंक्लाइन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सेलेशन जीरो है मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइन कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि डब्ल्यू एक्स को एफ के के बराबर होना पड़ेगा मुझे डब्ल्यू एक्स पता है नॉर्मल पता है वैल्यूज डालने पे म्यू के मिल जाएगा